हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रिशा ब्यूटी। और मैं हूँ प्रमिला। तो आज का जो ये मेकअप लुक है, ये ईद स्पेशल मेकअप लुक है और उम्मीद करूँगी कि आप सबको पसंद आया होगा। तो मेकअप से पहले ना, सबसे पहले अपनी स्किन को अच्छे से जो है प्रेप कर लिया जाता है, ताकि स्किन में बिल्कुल भी मेकअप एब्जॉर्ब ना होने पाए और स्किन हमारी रेडी रहे मेकअप के लिए और फ्लॉलेस लगे हमारा मेकअप। तो जितनी भी स्किन केयर है मैंने सारी फॉलो कर ली है। उसके बाद मैंने सीरम अप्लाई किया था और अभी अप्लाई कर रही हूँ मैं प्राइमर। अच्छे से प्राइमर अप्लाई कर लूँगी और उसको अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। थोड़ा सा टाइम दूँगी सेट होने के लिए। इससे ना जितने आपके पोर्स होते हैं मिनिमाइज़ हो जाते हैं और मेकअप आपका जो है फ्लॉलेस लगता है। बहुत ही अच्छा जो बेस होता है बहुत अच्छा लगता है आपका। तो इसको मैंने अच्छे से अप्लाई कर लिया हुआ है और इसको अप्लाई करने के बाद में मैं आई थिंक SQ का फाउंडेशन ले रही हूँ यहाँ पे। हाँ, SQ का फाउंडेशन ले रही हूँ और फाउंडेशन को एक लेयर मैंने फाउंडेशन की अप्लाई की है। देन उसके बाद में मैंने जो है जो मेरे पिगमेंटेड एरियाज है ना, वहाँ पर मैंने कंसीलर अप्लाई किया हुआ है, ताकि जो है अच्छे से बेस मेरा सेट हो जाए और जो भी मेरा पिगमेंटेड एरिया है वो जो है फ्लॉलेस लगे, मतलब सेम स्किन का लगे, कवर हो जाए। तो मैंने अच्छे से इसको ब्लेंड कर लिया हुआ है और देन अब आप देखेंगे कि मैं जो अपने पिगमेंटेड एरियाज हैं उनको मैं जो है प्रो कंसील से सेट कर रही हूँ, सही कर रही हूँ। तो बेस आपको, अगर आपको ऐसा है कि आपकी स्किन में पिगमेंटेड एरियाज हैं, अनइवन स्किन है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इससे स्किन आपकी जो है एक जैसी हो जाती है और मेकअप भी आपका अच्छा लगता है। तो इसको मैंने सेट कर लिया हुआ है। उसके बाद में मैं कंसीलर अप्लाई कर रही हूँ। तो अंडर आई एरिया में मैं कंसीलर अप्लाई कर रही हूँ और कंसीलर अप्लाई करने के बाद में इसको भी मैं अच्छे से सेट कर लूँगी। और ना, बेस सेटिंग पे आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। जितना ज़्यादा ब्लेंडिंग पे आप फोकस करेंगे, जितना ज़्यादा ध्यान रखेंगे, उतना ही अच्छा आपका मेकअप लुक होगा। और ब्लेंडिंग करने के बाद में मैं यहाँ पे बेकिंग की प्रोसेस कर रही हूँ और बनाना क्लोज पाउडर मैंने यहाँ पे लिया हुआ है और उसको अच्छे से अप्लाई कर रही हूँ। फ़ैन चल रहा था उसकी वजह से बहुत ज़्यादा ये ऐसे हो रहा था। तो इस तरीके से आपको लगा लेना है और लगाने के बाद में थोड़ी सी देर छोड़ देना है, ताकि जो ये है ना, ये सेट हो जाए, आपका बेस सेट हो जाए अच्छे से। और उसके बाद में मैं मेकअप आई मेकअप स्टार्ट करूँगी। तो आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को ये वीडियो मेरा कैसा लगा, और ज़्यादा से ज़्यादा आप इसे शेयर करिए। वीडियो पसंद आए तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करिए। सो, ये मैंने कंप्लीट कर लिया हुआ है और अब स्टार्ट कर रही हूँ मैं आई मेकअप। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे स्टार्ट कर रही हूँ अपना जो है। सो, यहाँ पे मैं कंटूरिंग कर रही हूँ अपने फेस की, और अच्छे से कंटूरिंग करने के बाद में फिर मैं जो है स्टार्ट करूँगी अपना आई मेकअप। तो थोड़ा सा कैमरे का इफ़ेक्ट है ना, बीच बीच में जो लाइटिंग का इशू हो रहा है वो कैमरे का थोड़ा सा इफ़ेक्ट है, कुछ गड़बड़ी है कैमरे में इस वजह से, क्योंकि मैं अपने छोटे से फ़ोन से ही शूट करती हूँ, फ़ोन से ही मैं अपने वीडियोस बनाती हूँ। तो इस वजह से थोड़ा थोड़ा सा चीज़ें हो जाती हैं, तो आप लोग मैनेज करिएगा। और अब मैं अप्लाई कर रही हूँ ब्लश। तो मैंने अपने ड्रेस के कलर का ही ब्लश लिया हुआ है। आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा लग रहा है, बट अभी ये सेट हो जाएगा और जब सेट हो जाएगा तो फिर एकदम बराबर हो जाएगा, बराबर आ जाएगा फेस के, ये देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे। और अब मैंने स्टार्ट किया है आई मेकअप। तो यहाँ पे भी मैंने जो है ऑरेंज शेड लिया हुआ है और थोड़ा सा ड्रेस से मैच करता हुआ मैंने जो है शेड लिया हुआ है और उसको कंप्लीट किया हुआ है अपने आईलिड पे इस तरीके से। मैं बीच में अपने सेंटर पे आईलिड पे यूज़ करूँगी जो है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्लिटर है, कुछ हल्का सा सिल्वर और पिंकिश काइंड ऑफ ग्लिटर है। इसको मैं अच्छे से अप्लाई कर लूँगी। इससे ना आई लुक टोटली जो है एकदम डिफर हो जाता है और बहुत ही अच्छा लगता है। अभी आप देखेंगे मेरा आई लुक कंप्लीट होने के बाद में, तो आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा आई लुक और ये मेकअप लुक कैसा लगा। कमेंट करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, वीडियो को लाइक करिएगा। तो आपकी लाइकिंग से ना हम लोग को मोटिवेशन मिलता है। सो का मैंने अब अप्लाई किया हुआ है, देख सकते हैं आप लोग। ब्लू काजल मैंने थोड़ा सा अलग कर दिया है काजल, बट हाँ गाइस, लुक बहुत ही अच्छा आ रहा था इससे। तो मिक्स एंड मैच करके कंट्रास्ट में अगर आप चाहें तो इस तरीके से अपना आई लुक कंप्लीट कर सकते हैं। और
देखने पे ना बहुत ही अच्छा लगता है, लुक एकदम अलग ही हो जाता है, आई लुक बहुत अच्छा लगने लगता है। तो इसमें आप जो भी चीज़ें हैं ऐड ऑन कर सकते हैं या फिर स्किप भी कर सकते हैं, अगर आपको कुछ नहीं पसंद आ रहा, कुछ नहीं सही लग रहा है तो आप स्किप कर सकते हैं। सो ये मेकअप फिक्सर है और इससे मैं अपने बेस को सेट कर लूँगी अच्छे से, ताकि मेकअप हमारा सेट हो जाए। और समर है, इस वजह से ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती हैं। अब ब्लेंडर की हेल्प से अच्छे से इसको सेट कर लेंगे, ब्लेंड कर लेंगे, और उसके बाद में मैं कंप्लीट करूँगी अपना लिपस्टिक लिप कलर। और लिप कलर भी बहुत ही अच्छा सा लिप कलर है, ये देख सकते हैं आप, ये भी कुछ हल्का फुल्का सा ड्रेस से ही मैचिंग का है, हल्का सा डार्क ही कलर है बट अच्छा लग रहा है। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, अगर आप लोग को कोई मेकअप लुक देखना है या किस टाइप की वीडियोस वगैरह देखने हैं तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, मैं ज़रूर रिक्वेस्ट पूरी करूँगी आप लोगों की और कोशिश करूँगी वीडियोस आप तक पहुँचाने की। तो इसमें ना मैंने थोड़ा सा हेयर स्टाइल का भी ऐड किया हुआ है, बट बहुत थोड़ा सा ही, फुल वीडियो आएगा जल्दी ही, तो आप लोग उसमें वॉच कर लीजिएगा। और ये देख सकते हैं मैंने अपना लुक कंप्लीट कर लिया हुआ है, और बताइएगा आप लोग कि कैसा लगा आप लोगों को लुक। अगर पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।